नमस्कार दोस्तों, अमेंडमेंट्स बाय द फाइनेंस एक्ट 2018 की इस सेकंड पार्ट में मैं स्टूडेंट्स के बेनिफिट में पर्टिकुलरली कैपिटल गेन से रिलेटेड डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो कि उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। सो इसमें भी सर सेक्शन 112A एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, नया सेक्शन ही इंसर्ट हुआ है जिस पर आपको विशेष कवरेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। हमारा पहला अमेंडमेंट है सर सेक्शन 49 से रिलेटेड। सेक्शन 49 में सब सेक्शन 8 के बाद एक सब सेक्शन 9 इंसर्ट किया गया है। एक्चुअली सेक्शन 49 सर एक्चुअल कॉस्ट को डिफाइन करता है और सब सेक्शन 9 में जो व्यवस्था की गई है और द अरेंजमेंट विच हैज बीन मेड इज क्लेरिफिकेटरी इन नेचर। बिकॉज आप लोगों ने मेरे साथ अमेंडमेंट की फर्स्ट सीरीज में ये देखा था कि सेक्शन 28 में क्लॉज 6 से इंसर्ट किया गया और यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करता है तो स्टॉक इन ट्रेड की जो भी पर्टिकुलर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन होती है, वो पर्टिकुलर फेयर मार्केट वैल्यू आगे के लिए उस कैपिटल एसेट की कॉस्ट मानी जाती है। अब नेचुरली एक क्वेश्चन और अराइज होगा सर कि यदि कोई पर्टिकुलर स्टॉक इन ट्रेड जो कि मेरे पास में पहले से था, जिसको मैंने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी आगे जब मैं उस कैपिटल एसेट को बेचूंगा तो मेरी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? तो लॉ बोलता है सर जो फेयर मार्केट वैल्यू जिस पर मैं टैक्सेशन में आ चुका हूं सेक्शन 28 क्लॉज 6 ए पर, उससे आगे का जो डिफरेंस है वही मेरा कैपिटल गेन होगा। यानी जो वैल्यू मेरी 28 क्लॉज 6 ए में टैक्स हो चुकी वो मेरे लिए कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के पर्पजेस से कॉस्ट बन जाएगी। तो सर ये कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है, आई होप आप इसको ध्यान में रख पाए। आपने सर मेरे साथ में सेक्शन 43 सीए में एक अमेंडमेंट देखा था, अमेंडमेंट से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो में, के बिल्डर्स यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर कोई पर्टिकुलर एसेट बेचते हैं तो उनको मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर टैक्सेबल होना होगा क्योंकि दे आर सेलिंग देयर स्टॉक इन ट्रेड एट अ वैल्यू लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अमेंडमेंट भी सर हमने वहां पर डिस्कस किया सेक्शन 43 सीए में, दैट वाज कि यदि मैंने पर्टिकुलर एसेट को जो कि स्टॉक इन ट्रेड है एज अ बिल्डर बेची है और मेरे एक्चुअल कंसिडरेशन से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5% के वेरिएशन में आती है तो मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन ही फॉर द पर्पज ऑफ पीजीबीपी कंप्यूटेशन काम में लिया जाएगा। उसी प्रकार से सर सेक्शन 50 सी तब लागू होता है यदि कोई व्यक्ति किसी एसेट को इफ एन एसेसी इज सेलिंग एन एसेट विच इज एन इमोबल प्रॉपर्टी एट लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सो दिस फिक्शन सेक्शन प्रोवाइड सेक्शन 50 सी, क्या आपको मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। सो अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर बेचा तो लॉ ने फिर एक अमेंडमेंट सेक्शन 43 सीए जैसा सेक्शन 50 सी में भी लिया फाइनेंस एक्ट 2018 में, कि यदि आपका एक्चुअल कंसिडरेशन से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5% के वेरिएशन में आ रही है तो आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ही कैलकुलेट किया जाएगा। मैं सर इसे अगली स्लाइड में आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ये एग्जाम्पल देखिए सर आप मेरे साथ में, जिसमें मैंने टाइटल दिया है प्रॉपर्टी सोल्ड बाय मिस्टर ए एंड कैपिटल गेन दे रहा हूं। तो मान लीजिए सर मैं वित्त वर्ष 18-19 फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात कर रहा हूं और मिस्टर ए के पास में तीन प्रॉपर्टीज हैं। वन इज रेजिडेंशियल हाउस, सेकेंड इज अ रेजिडेंशियल प्लॉट एंड थर्ड वन इज अ शॉप। और उसे रिस्पेक्टिवली वन बाय वन हम डील करते हैं कि रेजिडेंशियल हाउस को मिस्टर ए ने 2.5 लाख रुपए में रियल में बेचा और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी वो उस प्रॉपर्टी की 2,80,000 रुपए थी। तो अब सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन के 5%, सेल कंसिडरेशन का 5% हुआ सर 12,500, क्योंकि 2,62,500 से ऊपर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही है इसलिए हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इनकम टैक्स पर्पजेस से 2,80,000 मानेंगे। और यदि मैं कॉस्ट 2,10,000 रुपए लिए हुए हूं तो कैपिटल गेन की क्वांटिटी अमाउंट 70,000 रुपए निकल के आएगा। मान लीजिए रेजिडेंशियल प्लॉट का केस है, जो कि रेजिडेंशियल प्लॉट असेसी ने 4 लाख रुपए में बेचा है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4,15,000 है, तो 4 लाख का 5% हुआ सर हमारे पास में 20,000, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4,20,000 से ऊपर नहीं है
इसलिए मेरा रियल सेल कंसिडरेशन 4 लाख की कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में काम में आ जाएगा और मुझे कैपिटल गेन 1 लाख रुपए निकल के आएगा। यानी इस सूरत में मुझे जो प्रोबेबल नुकसान पहले अमेंडमेंट से पहले 15,000 का कैपिटल गेन और निकलता वो अब नहीं होगा, सो दिस अमेंडमेंट विल गिव मी अ बेनिफिट। 4 लाख और 4,15,000 में आपको ये अमाउंट सर हो सकता है छोटा लगता हो, लेकिन मोमेंट में इसी एग्जाम्पल को 4 करोड़ बना देता तो सर 15 लाख रुपए के ऊपर कैपिटल गेन की असेसी को निश्चित रूप से एक सब्सटेंशियल बचत होती। सो दिस इज हाउ दिस अमेंडमेंट विल बी यूजफुल। एंड थर्ड, मैंने एक शॉप से रिलेटेड एग्जाम्पल कोट किया है जो 3,20,000 में बेची जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मात्र 2,75,000 ही थी। तो सर इस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, असेसी का सेल कंसिडरेशन ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है इसलिए उसका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन पर ही टैक्सेशन होगा। सो आई होप आपके सामने सेक्शन 50C से रिलेटेड अमेंडमेंट भी अब क्लियर हो गया होगा। अगला अमेंडमेंट सर हमारे पास में सेक्शन 54EC में है जिसको फाइनेंस एक्ट 2018 ने दो प्रारूप में अमेंडमेंट किया है। देयर आर टू अमेंडमेंट्स व्हिच आर मेड इनटू सेक्शन 54EC। वन, टिल नाउ वी यूज्ड टू अंडरस्टूड के अगर किसी भी एसएससी ने, एनी एसएससी, मे बी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, मे बी कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट, हैज सोल्ड एनी एसेट व्हिच इज अ कैपिटल एसेट एंड सच एसेट सोल्ड इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड ही और इट इन्वेस्ट द net consideration, sorry, I would correct, the capital gain, which is long-term capital gain, into NHAI or rural electrification bond, then an exemption of rupees 50 lakh was available under section 54EC. ये exemption amount में सर कोई change नहीं हुआ, exemption amount 50 lakh ही है, लेकिन एक बड़ा change क्या हो गया, कि अब तक सब प्रकार की assets section 54EC के दायरे में आती थी, यानी मैं land बेचूं, मैं shares बेचूं, मैं bonds बेचूं, मैं किसी भी प्रकार का रेजिडेंशियल हाउस बेचूं, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचूं, मैं सबके लिए सेक्शन 54EC की एग्जम्पशन क्लेम कर सकता था। पर अब सर 54EC की एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब बेची गई एसेट लैंड या बिल्डिंग या दोनों में से कोई एक हो, यानी अदर देन कोई एसेट जो कि लैंड और बिल्डिंग के अलावा और लॉन्ग टर्म एसेट है और मैंने उसे बेचा भी है, तो सर अब मुझे सेक्शन 54EC में उसके अमेंडमेंट के कारण से एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। दूसरा प्रावधान सर जो आया है वो बेसिकली एक नुकसानदायक प्रावधान है। हाउ इट इज, टिल नाउ द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ NHAI रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड वॉज 3 ईयर्स एंड नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 5 ईयर। तो असरसी जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन या NHAI बॉन्ड लेगा उसको सर उस पर्टिकुलर NHAI या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड को 5 साल के पीरियड के लिए होल्ड करना पड़ेगा। हाँ, आप मेरे से यह पूछ सकते हैं सर, मान लीजिए 5 साल नहीं होल्ड किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इन दैट केस सर, जिस ईयर में आप 5 साल से पहले उस एसेट को बेच देते हैं बॉन्ड को, आपको उस ईयर में वो पुराना कैपिटल गेन जो टैक्स नहीं देकर के आए उस पर टैक्स लायबिलिटी देना पड़ेगा। सो दिस इज 54EC रिलेटेड। अब सर हमारे सामने है सेक्शन 112A से रिलेटेड इंसर्शन का अमेंडमेंट जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक सेक्शन ही लेकर के आ गए। और क्यों लेकर के आए सर, क्योंकि बजट 2018 में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने एक घोषणा करी थी कि सर अब 1 फरवरी ऑनवर्ड्स जो कैपिटल गेन होगा लॉन्ग टर्म भी, जो कि पहले एग्जम्प्ट हुआ करता था बिकॉज ऑफ सेक्शन 10 क्लॉज 38, हम उसको टैक्स करेंगे। क्या रेट पर टैक्स करेंगे सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो हमारा ऑलरेडी 15% रेट पर टैक्स हो ही रहा था और लॉन्ग टर्म एग्जम्प्ट था, तो गवर्नमेंट ने एक 10% की रेट प्रोवाइड करे। जो हमें यहां पर सर बात समझनी है अमेंडमेंट के पार्ट ऑफ व्यू, वो क्या कि ये सेक्शन में क्या व्यवस्था की गई है और यदि ये सेक्शन में टैक्सेशन होगा तो उस एसेट की कॉस्ट कैसे निकलेगी। तो मैं आपको कंबाइंड फॉर्मेट में सेक्शन 112A और सेक्शन 55 जो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिफाइन करता है, इन दोनों के अमेंडमेंट्स डिस्कस करूंगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं सर सेक्शन 112A से जो ये कहता है, नॉटविदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 112, यानी 112 के ऊपर इसका ओवरराइडिंग प्रभाव आएगा, द टैक्स पेबल बाय एन असेसी ऑन हिज टोटल इनकम शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। ध्यान दीजिएगा सर, बाय एन असेसी बोला है, बाय एन असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF नहीं बोला, यानी सभी प्रकार के असेसी, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे HUF हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, इस सेक्शन के दायरे में आ गए। The total income includes any income chargeable under the head capital gain. 2. Capital gain arises from transfer of a long-term capital asset being an equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust. 3 चीजें कवर कर ली गई सर, इक्विटी शेयर,
दूसरा यूनिट ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स और तीसरा यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अंडर चैप्टर 7 ऑफ द फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2004 हैज इन द केस वेयर द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज इन द नेचर ऑफ इक्विटी शेयर बीन पेड ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है सर। अब एज कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन ऑफ सेक्शन 10 क्लॉज 38 जहां ये बात लागू होती थी कि आपको सेल के समय एसटीटी देना है, अब लॉ कह रहा है नहीं, आपने परचेज और सेल दोनों के समय यदि एसटीटी दे दिया है तो आपको सेक्शन 112A लागू हो जाएगी। यानी मान लीजिए मैंने परचेज के समय एसटीटी नहीं दिया तो सेक्शन 112A का कवरेज नहीं है, सेल के समय एसटीटी नहीं दिया तो 112A का कवरेज नहीं है। मैं इसी डिस्कशन को सर अगली स्लाइड के रूप में आपके सामने आगे बढ़ाते हुए चलता हूं। तो सर पहले हमने देखा कि यदि कोई पर्टिकुलर एसेट जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इक्विटी शेयर है या किसी प्रारूप में इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट है या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है, तो मैंने आपसे बोला कि इक्विटी शेयर के सेल परचेज के समय एसटीटी लगना चाहिए, लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड फंड में और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट में केवल ट्रांसफर के समय एसटीटी लगना चाहिए। यदि ये शर्तें पूरी हैं तो आपका कैपिटल गेन सेक्शन 112A के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब 112A में सबसेक्शन 2 जो चार्जिंग सेक्शन है, सबसेक्शन है, वो प्रावधान क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स द टैक्स पेबल बाय द असेसी ऑन द टोटल इनकम रेफर टू इन सबसेक्शन 1 जो अभी एलटीसीजी की इनकम की मैंने आपसे बात करी शैल बी द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज एट द रेट 10%। यानी 112A में जो आपकी इनकम आ रही है इस पर आपको मात्र 10% रेट से सर टैक्सेबल लगेगा। लेकिन जो एक बात सर यहां ध्यान रखने की है वो क्या है, लॉ कह रहा है एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, यानी अगर आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म सेक्शन 112A के नेचर का मान लीजिए 80,000 ही आया तो आपको कोई 10% टैक्स नहीं देना है। लेकिन मान लीजिए आपका कैपिटल गेन 10 लाख रुपए आ रहा है तो क्या आपको 9 लाख रुपए पर देना है या पूरे 10 लाख पर देना है? तो सर मेरा ओपिनियन है कि 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर तो कोई टैक्स नहीं है, यानी मेरे 10 लाख वाले उदाहरण में सर केवल 9 लाख रुपए पर आपको 10% रेट से टैक्स देना पड़ेगा। यानी 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन सबके लिए अवेलेबल हो गई, चाहे कॉर्पोरेट्स हो नॉन कॉर्पोरेट्स। एंड क्लॉज 2 द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम एज रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेफर टू इन सब सेक्शन 1 एज इफ द टोटल इनकम सो रिड्यूस फॉर द टोटल इनकम ऑफ द असेसी। ठीक है सर, बाकी की टोटल इनकम पर जो आपको नॉर्मल टैक्सेशन होता है वो मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और सर, मान लीजिए मैं इंडिविजुअल हूँ, HF हूँ और मेरी अभी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पूरी एग्जॉस्ट नहीं हो रही और मेरे पास में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकेला सेक्शन 112A के नेचर का 5 लाख रुपीज का है तो क्या मुझे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा? तो सर यहाँ पर आप जरा देखिएगा कि एक प्रोविजो जो इंसर्ट किया गया, और ये प्रोविजो सर वैसा ही है जो सेक्शन 112A में भी 112 में भी अवेलेबल है कि यदि आप इंडिविजुअल हैं या HUF हैं और आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुई एंड आप रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF हैं तो आपको सर जितनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुई उसका बेनिफिट इस कैलकुलेशन में मिलेगा। तो मेरा इसे एक उदाहरण द्वारा समझाना आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के नेचर का है और मेरे पास कोई और इनकम ही नहीं, ठीक है, तो 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो सर मेरा टैक्सेबल ही नहीं है। अब टैक्सेबल कितने का होगा? केवल 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए में से आप मेरी 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट उड़ा दीजिए, अब बच गया सर केवल 1.5 लाख रुपए। इस 1.5 लाख पर मेरे को 10% रेट से टैक्स देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 112A। तो होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। मैं इससे अगली स्लाइड में इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। कुछ और सबसेक्शंस भी सर सेक्शन 112A में मेंशन है, मैं उन्हें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार रखता हूं सामने। द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3 ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू अ ट्रांसफर undertaken on a recognized stock exchange located in an international financial service center and where the consideration for such transfer is received or receivable in foreign currency. तो इन्होंने जो STT की requirement है सर, क्योंकि STT international financial service center में नहीं लगता, इसलिए उस शर्त से मुक्ति दे दी अगर कोई पर्टिकुलर शेयर का ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट का ट्रांजेक्शन या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट का ट्रांजेक्शन
किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में होता है और अगर एसटीटी नहीं भी पे हुआ तो भी सर आपको सेक्शन 112A का कंसेशन रेट ऑफ टैक्सेशन मिलेगा। फर्दर सबसेक्शन 4, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई द नेचर ऑफ एक्विजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजंस ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 3 ऑफ सबसेक्शन 1 शेल नॉट अप्लाई। तो सर एसटीटी की जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बोली परचेज सेल की, भारत सरकार हो सकता है नोटिफिकेशन से एग्जम्प्ट करे कुछ ट्रांजेक्शन को, जहां एसटीटी सेल या परचेज के समय नहीं भी दिया तो भी हम आपको 112A का बेनिफिट देंगे। 5, वेयर द जीटीआई ऑफ एन एसएससी इंक्लूड्स एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेफर टू इन सबसेक्शन 1, द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए शेल बी अलाउड फ्रॉम द जीटीआई एज रिड्यूस्ड बाय सच कैपिटल गेन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट सर। मान लीजिए मैं ये कहता हूं सर मेरे पास में 10 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन 112A के नेचर का और कोई इनकम नहीं है और मैंने 1.5 लाख रुपए एलआईसी में इन्वेस्ट कर दिए, तो मैं सर क्या एलआईसी के 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को इस 10 लाख में से कम करके अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? आंसर इज नो, इट इज नॉट सो परमिटेड। 6, वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इंक्लूड्स एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेफर टू इन सबसेक्शन 1, द रिबेट अंडर सेक्शन 87A शैल बी अलाउड फ्रॉम इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम एज रिड्यूस बाय द टैक्स पेबल ऑन सच कैपिटल गेन। तो अभी सर मैंने आपके सामने उदाहरण रखा था कि मेरे पास में 5 लाख का एलटीसीजी 112A का नेचर का है, उसमें से 1 लाख पर तो मुझे टैक्स ही नहीं देना, बाकी बचे 4 लाख। ऑन दैट 4 लाख रुपीज आई सेड वी विल बी क्लेमिंग एग्जम्पशन लिमिट बेनिफिट ऑफ 2,50,000 इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज अ रेजिडेंट एज वेल एज इन द केस ऑफ एचयूएफ। अब बाकी के 1.5 लाख पर मेरा 15,000 टैक्स आया तो मैं 87A की रिबेट लेना चाहता हूं सर 3,500 की, कैन आई क्लेम फ्रॉम दैट 15,000? द आंसर इज नो। सो दिस इज सेक्शन 112A रिलेटेड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स विच आई हैव डिस्कस्ड बिफोर यू। दो छोटी सी बात सर जो मैं इस स्लाइड के थ्रू आपके सामने रखना चाहता हूं वो क्या है सर कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड को इन्होंने डिफाइन किया है और हम अब तक ये समझते आए हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड वो है जिसके इन्वेस्टेबल फंड्स का मिनिमम 65% इक्विटीज में लगा होता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की। लेकिन कुछ फंड ऐसे भी होते हैं सर जो किसी दूसरे फंड की यूनिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे फंड्स के लिए सर इक्विटी ओरिएंटेड फंड का जो फंडा दिया या कॉन्सेप्ट दिया वो क्या दिया है सर, इन अ केस वेयर द फंड इन्वेस्ट इन द यूनिट्स ऑफ अनदर फंड विच इज ट्रेडेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अ मिनिमम ऑफ 90% ऑफ टोटल प्रोसीड्स ऑफ सच फंड इज इन्वेस्टेड इन द यूनिट्स ऑफ सच अदर फंड। तो वहां पर सर 65% की जगह जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी कर दी गई है, दैट हैज बीन एनहांस्ड टू 90%। तो ये एक एडिशनल पॉइंट आपको इक्विटी ओरिएंटेड फंड के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना चाहिए। अब सर सेक्शन 112A के रेफरेंस से आप सभी को एक और महत्वपूर्ण बात समझनी है, वो क्या कि जब हम 112A में कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो हमारी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, ये कॉस्ट का इश्यू क्यों अराइज हुआ इसको आप समझने का कोशिश करिए। मान लीजिए मैंने 31 जनवरी 2018 जो कि कट ऑफ डेट थी जहां तक का कैपिटल गेन 10.38 में चला जाता था यानी वहां तक के कैपिटल गेन एग्जम थे और उसके बाद के ऑनवर्ड्स पर टैक्सेशन की सरकार ने अपना मंतव्य दर्शा दिया, तो सम ऑफ माय फ्रेंड हैज सोल्ड सम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट व्हिच वाज इन द फॉर्म ऑफ शेयर लेट्स अज्यूम ऑन 30th ऑफ जनवरी 2018 एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि लुक मिस्टर भाटिया आई हैव सोल्ड इट, मेरा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। एंड आई समहाउ कुड नॉट सेल बिकॉज आई वॉज ऑफ द बिलीफ के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स अभी लगेगा तो देखेंगे। अब मैंने उसी एसेट को सर 15 अप्रैल 2018 को बेचा। अब 15 अप्रैल 2018 को क्योंकि ट्रांजेक्शन टैक्सेबल हो गया तो मैं बोला यार मेरा दोस्त अच्छा था, वो 30 जनवरी 18 तक बेच गया उसका तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो गया और मेरा क्योंकि 15 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है और तब ट्रांजेक्शन टैक्सेबल हो गया तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। नाउ इन दिस केस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी गेट्स वायलेटेड। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी कि जिसने सर उस कट ऑफ डेट से पहले बेच दिया उसका एप्रिसिएशन तो एग्जम्प्ट हो गया और मेरा भी एक एप्रिसिएशन जो चाहे 15 अप्रैल को आया उसमें कहीं ना कहीं 31 जनवरी तक का कंट्रीब्यूशन था, तो क्यों ना सर 31 जनवरी तक के मेरे कंट्रीब्यूशन को एग्जम्प्ट किया जाए और 31 जनवरी ऑनवर्ड्स जो मैंने कमाया उसको टैक्स किया जाए। तो सेक्शन 55 यही व्यवस्था दे रहा है सर और इस लॉजिक को लेते हुए चल रहा है कि आपका कैपिटल गेन जो 112A में कैलकुलेट किया जाएगा उस इक्विटी शेयर की उस पर्टिकुलर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की या उस म्यूचुअल फंड की यूनिट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी ये आपको समझना। तो इट इज सेइंग इन सेक्शन 55 ऑफ द इनकम टैक्स इन सबसेक्शन 2 आफ्टर क्लॉज AB
द फॉलोइंग क्लॉज शेल बी इंसर्टेड. तो एक क्लॉज एसी नया आ गया सर, ये कह रहा है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सब क्लॉज वन एंड टू ऑफ क्लॉज बी इन रिलेशन टू अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग एन इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट रेफर टू इन सेक्शन 112A एक्वायर्ड बिफोर फर्स्ट डे ऑफ फेब 2018. ये तभी चलेगा सर जब आपने 1 फरवरी 2018 से पहले शेयर ले रखा है. तो 1 फरवरी 2018 बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जिस वैल्यू पर खरीद रहे हैं और आगे जितने पर बेच रहे हैं उसका आपका डिफरेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा. सो यदि आपकी शेयर एक्वायर्ड बिफोर फर्स्ट डे ऑफ फेब 2018 है तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, इट शेल बी हायर ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट जितने में वो पर्टिकुलर शेयर या सिक्योरिटी खरीदी एंड द लोअर ऑफ. इंपॉर्टेंट है सर, हायर ऑफ तो इन दो का और लोअर ऑफ अगले दो का. हायर ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट एंड लोअर ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट एंड द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट. तो सर हमारे को क्या करना है, मेरी कॉस्ट कितनी थी उस एसेट की यह देखना है और उस पर्टिकुलर एसेट के लिए फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो मुझे उस एसेट को बेचने से आया वो क्या है. इन दो का तो सर लोअर अमाउंट और कॉस्ट में और इन दोनों में से जो लोअर में निकाल के लाया वो उन दोनों में से जो भी हाई है वो मेरी कॉस्ट बनेगी और अकॉर्डिंगली मेरा कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा. हो सकता है मेरे इस डिस्कशन से आपको प्राइमा फेसाई नहीं समझ में आए, मैं एक उदाहरण द्वारा इसे आपको आगे की स्लाइड में समझाने की कोशिश करता हूं. जैसा कि सर हमने देखा कि सेक्शन 55 में सब सेक्शन 2 में क्लॉज एसी कह रहा है कि हम कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू या सेल कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू और सेल कंसिडरेशन में से तो जो भी कम होगा वो और कॉस्ट और इन दोनों में से जो कम निकाल के लाए इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो उसे एज फाइनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते हुए कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे. अब एक क्वेश्चन आता है सर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड. तो लॉ बोलता है सर एक एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में, फेयर मार्केट वैल्यू इन द केस मींस इन अ केस वेयर कैपिटल एसेट इज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन 31st डे ऑफ जनवरी 2018 द हाईएस्ट प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट कोटेड ऑन सच एक्सचेंज ऑन साइटेड. ठीक है, हाईएस्ट लोएस्ट कई प्राइजेस होते हैं तो हाईएस्ट प्राइस को सर क्या मान लिया जाएगा, एफएमई मानेगा यदि लिस्टेड है. मान लीजिए उस दिन मार्केट बंद है तो उससे जस्ट पिछले दिन के ऊपर जो भी मार्केट की लिस्टिंग थी और उस दिन का हाईएस्ट प्राइस वो ले लेंगे. टू, इन केस वेयर कैपिटल एसेट इज अ यूनिट विच इज नॉट लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन 31st ऑफ जनवरी 2018, तो लॉ कहता है ओके एनएवी ऑफ यूनिट ऑन सैट डेट. तो हर म्यूचुअल फंड अपनी एनएवी डिस्क्लोज करता रहता है, तो 31 जनवरी 2018 को आपका लिस्टेड है अगर तो आपका हाईएस्ट जो भी उसका कोटेशन है वो कॉस्ट होगी और यदि अनलिस्टेड यूनिट है तो फिर सर उसकी जो एनएवी होगी वो एनएवी कॉस्ट के रूप में ले ली जाएगी. एफएमवी के डिस्कशन को सर मैं एक बार और आगे बढ़ा रहा हूं. ये भी दो इंपॉर्टेंट प्रावधान है. इन अ केस वेयर द कैपिटल एसेट इज एन इक्विटी शेयर इन अ कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन 31st ऑफ जनवरी 2018 बट लिस्टेड ऑन सच एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. तो मान लीजिए सर मेरे पास ए लिमिटेड के शेयर थे जो मैंने फॉर एग्जाम्पल खरीदे थे सर 11 जनवरी 2017 को, आई बॉट देम एट 1000 रुपीज. ठीक है, और सब्सिक्वेंटली 31 जनवरी 2018 तक भी कंपनी लिस्टेड नहीं हुई. सब्सिक्वेंटली 15 जून 2018 को वो कंपनी लिस्टेड हो गई. तो सर अब मेरी कॉस्ट क्या ली जाएगी, तो ये कह रहे हैं सर कि यदि आपका वो शेयर लिस्टेड नहीं था उस समय और बाद में लिस्ट हो गया जब आपने बेचा वो, या लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड विच बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द एसेसी इन कंसिडरेशन ऑफ शेयर विच इज नॉट लिस्टेड ऑन सच एक्सचेंज ऑन द 31st डे ऑफ जनवरी 2018 बाय वे ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर. जैसे मान लीजिए मुझे वो शेयर ए लिमिटेड की जगह बी लिमिटेड का शेयर मिल गया था और बी लिमिटेड जो थी वो तो लिस्टेड थी परंतु ए लिमिटेड अनलिस्टेड थी और बी लिमिटेड का शेयर मुझे अप्रैल 18 में मिला, तो भी सर मेरी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी एफएमवी. तो ये कह रहा है एन अमाउंट विच बियर्स टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द सेम प्रोपोर्शन एज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द FY 2017-18 बियर्स टू द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच द एसेट वॉज हेल्ड बाय द एसेसी और द ईयर बिगिनिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2001 विच इज लेटर. तो मैं इसे एक उदाहरण द्वारा ऐसा कहता हूं सर, मान लीजिए मेरे पास में फाइनेंशियल ईयर 2002-03 में कोई शेयर 1000 रुपए का था, 31 जनवरी 2018 को भी वो अनलिस्टेड था और मैंने सर उस शेयर को फाइनली 10,000 रुपए में जब वो लिस्टेड हो गया जून 2018 में बेच दिया. तो अब ये कहना चाह रहा है कि अच्छा 1000 रुपए मेरा शेयर था,
मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2002-03 फाइनेंशियल ईयर में जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो 105 था, और 31 जनवरी 2018 यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18 को कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़कर के 272 हो गया, 272। तो इसका मतलब मेरी इंडेक्स कॉस्ट निकल करके आई 2590। तो अब मैंने यदि 10,000 में उस शेयर को बेचा सर, तो 10,000 माइनस 2590 दिस विल बी माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। एक और मजेदार बात सर जो यहां पर नुकसानदायक लगती है, लगेगी भी आपको, कि सेक्शन 48 में एक थर्ड प्रोविजन लेकर के आ गए और ये कहा प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग कंटेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजन शैल अप्लाई टू द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग एन इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट रेफर टू इन सेक्शन 112A। आपका जो कैपिटल गेन सर 112A में निकाला जाएगा 112A में, उसकी कैलकुलेशन में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये लॉ ने स्पष्ट कह दिया। तो सर क्यों नहीं मिलेगा, इसका लॉजिक जरा आप समझने की कोशिश करिएगा। जब भी लॉ कंसेशन रेट ऑफ टैक्स देता है, जैसे यहाँ नॉर्मली तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में 20% है, जबकि 112 ये आपको 10% पर टैक्स कर रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में लॉ आपको जनरली जो दूसरे बेनिफिट हैं, और इस परिस्थिति में दूसरा बेनिफिट क्या होता है इंडेक्सेशन का लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में, तो वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट देने से मना कर दिया, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मैंने आपसे ये कहा था सर कि मैं सेक्शन 112A पर एक उदाहरण द्वारा आपके सामने कुछ बात रखूंगा। तो मान लीजिए मैंने 4 स्क्रिप्ट में डीलिंग करी और सारी स्क्रिप्ट मैंने 1 जनवरी 2017 को खरीदी और सारी स्क्रिप्ट मैंने 12 जून 2018 को बेच दी। तो मैं आपको पहली स्क्रिप्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की वैल्यू बोलता हूँ। मान लीजिए 1 जनवरी 2017 को मैंने वो शेयर 1140 रुपीज में परचेज किया, जिसकी वैल्यू 31st ऑफ जनवरी 2018 को बी कॉलम में 1235 रुपीज थी, ठीक है। और मैंने फाइनली इसको 12 जून 2018 को सी वैल्यू में 1360 रुपए में बेच दिया। तो प्राइमा फेसाई सर मेरा कैपिटल गेन है 1360 माइनस 1140 यानी 220 रुपीज। लेकिन अब सेक्शन 112 ए रेड विद सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज एसी चलेगा। वो ये कहता है कि सबसे पहले एफएमवी और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में जो भी लो है वो ले लीजिए, ठीक है। तो एफएमवी मेरी 1235 और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1360, तो मैंने विच एवर इज लो पकड़ लिया 1235। अब उसके बाद ऊपर बोला कॉस्ट और विच एवर इज लेस ऑफ बी एंड सी वो ले लीजिए। कॉस्ट थी मेरी 1140, ठीक है, और बी एंड सी में से विच एवर इज लो था 1235, इन दो में से जो भी हायर है वो ले लीजिए। तो वो आ गया सर 1235। अब मेरे कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 1360 और सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज एसी के फॉर्मूले पे 1235 मेरी कॉस्ट, तो 125 इज माय कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म टैक्सेबल एट द रेट 10% अंडर सेक्शन 112A। इसी प्रकार से आप एचडीएफसी बैंक का उदाहरण देखिए, आई डिड परचेज इट एट 1575, एफएमवी वाज 1950 बट इट फॉल डाउन टू 1800 लेट्स अज्यूम इन जून 2018। तो मेरा लोअर ऑफ बी एंड सी, लोअर ऑफ एफएमवी एंड लोअर ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आया 1800, और फिर आया सर मेरा हायर ऑफ कॉस्ट एंड लोअर ऑफ दीज टू, वो आया सर 1800। तो मेरा फाइनली कैपिटल गेन क्या हो गया टैक्सेबल 112A में, जीरो। टेक एन एग्जांपल ऑफ एलएनटी, शेयर आई परचेज एट 1400, एफएमवी गॉन ऑन 31st of January 2018 टू 1450, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इसकी निकल करके आई जब मैंने इसे बेचा 1250 में, इन दोनों में से जो भी लोअर है बी और सी में से वो आया सर 1250, और कॉस्ट मेरी थी है ना ऑलरेडी 1400, विच एवर इज हायर 1400, तो मुझे सर यहाँ पर 150 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया। मैं इस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को जो 112A में निकल के आऊंगा किसी और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से एडजस्ट कर सकता हूँ एज पर सेट ऑफ प्रोविजन। टाटा मोटर्स का शेयर सर 450 में लिया, 31 जनवरी 2018 को 350 का हो गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन फर्दर 250 रुपए ही आई, लोअर ऑफ 350 एंड 250 आया 250, और मेरी कॉस्ट और इसमें से हायर निकल के आया 450, फाइनली माई लॉस इज 200 रुपीज। सो दिस इज हाउ आई अर्न 225 रुपीज नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 112A। आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड एंड वुड रेफर 112A रेड विद सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज एसी फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इसी के साथ सर मैं अपना अमेंडमेंट से रिलेटेड सेकेंड पार्ट यहां पर कंप्लीट करता हूं, और बाकी के जो अमेंडमेंट्स रह गए हैं मैं उन्हें अपनी वीडियोस के थ्रू आपके सामने लाने का कोशिश करूंगा। मुझे सुनने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को फर्दर शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।